गाइस देख रहे हो कितना कोहरा हो रहा है। मैं अभी थोड़ा सा काम के लिए बाहर निकला था तो सोचा थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका भाई फिर से आ चुका है एक न्यू व्लॉग के साथ। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं मुझे ढंग से व्लॉगिंग आती तो नहीं है, बट गाइस मैं पूरा पूरा अपनी तरफ से ट्राई तो कर रहा हूँ। आज कुछ चीज़ है कि तो गाइस व्लॉगिंग तो सही से आती नहीं है, बट गाइस मैं अपनी तरफ से गाइस आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट देना चाहता हूँ। तो गाइस पूरी कोशिश है, तो गाइस आप लाइक जरूर कर लिया करो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो, भाई को सपोर्ट करो, आपके लिए अच्छा से अच्छा लेकर आने की पूरी कोशिश रहती है। और गाइस आज का सेटअप बताना कैसा लगा, मतलब ड्रेसिंग स्टाइल, ठीक है? तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हम आपको मेरा फुल डे रूटीन, आई मीन मतलब मैं क्या कहता हूँ फुल डे, ठीक है? सो गाइस बताना कैसा लगा। ओके तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं हूँ इस वक्त फार्मेसी के अंदर, और गाइस ये है अपनी फार्मेसी ओन, एंड ये मेरे बड़े वाले भैया, और मतलब हम दोनों साथ में ही रहते हैं यहाँ पर। तो कभी जब से जैसे भैया नहीं है तो मैं हूँ, मैं नहीं हूँ तो भैया है, हम दोनों भाइयों का ऐसा था। जैसे कि अभी देख पा रहे हैं अभी तो कोई भी नहीं है, बस मैं हूँ अकेला, भैया गए हुए बाहर, वो भी गए हैं थोड़ी देर पहले। और अभी हम लगाने वाले हैं शॉप का माल, तो गाइज उसे लगाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। सो लेट्स गाइस देखो, अभी तो मैंने सिर्फ ये एक माल लगाया है, उसके बाद ये देखो दूसरा माल आ रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बाहर भैया माल निकाल रहे हैं, अब आएंगे और मैं इनसे साइन करूँगा इन पर, मतलब इसका जो बिल होगा इस पर साइन करूँगा। और भैया कैसे करेंगे दर्जे की फुल फॉर्म क्या है? जेडी की मम्मी पापा का नाम। तो आपने आज फोकस करा इस नाम पर? मैं सोचता था, पूछा नहीं। अच्छा, नाम के बारे में सोचते थे। थैंक यू। ये देखिए इनको मैंने साइन करके दे दिया एक बिल, ये दो बिल लाते हैं, एंड मैंने उसमें से एक बिल तो साइन करके दिया, एंड एक बिल हमारे पास कॉपी रहती है हमारे पास माल चेक करने के लिए। ये देखिए माल हमारा आ गया, एंड अभी ये मुझसे पूछ रहे थे हमारी जो फार्मेसी है ये है जेड ए के नाम से है, तो ये पूछ रहे थे ये जेड ए का मतलब क्या है। तो मैंने कहा मैं तो मेरे मम्मी पापा का नाम है, खैर ये बात सच है कि मेरे मम्मी पापा का नाम नहीं है जेड ए के नाम से। तो वो तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि वाइज अब माल जैसे कि है लग ही गया है वाला माल, तो एक दो आइटम बहुत अच्छी है। उसके बाद तो ये वाला माल खोलते हैं,
खाते ही रहेगा गाइस आज का माल। आप सब बोलोगे बोर कर दिया मैंने, गाइस बोर मत होना यार, बहुत मेहनत लगती है चीज़ों में भी। सब्सक्राइब कर दिया करो यार भाई को, तो गाइस फाइनली माल लग चुका है। तो गाइस पता है एक भैया है हमारे यहाँ पे आते रहते हैं, मतलब कस्टमर नहीं है, बड़े वाले भैया के दोस्त भी नहीं, तो जब भी आते हैं ना वो एक बात बोलते हैं कि भाई आप मॉडलिंग कर लो, आप मॉडलिंग कर लो। तो गाइस आप सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या मैं मॉडलिंग कर सकता हूँ, सजेशन दो। गाइस फुल्लू की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि हम तो मार्केट में बैठे हैं, अब पता नहीं जो कोई मेरी मार्केट में दिक्कत है क्या हर जगह है, बट मैं तो मोस्टली हर जगह ही देखता हूँ ये चीज़। आप भी जाओ फुल्लू हो गया, फुल्लू का सबसे ज़्यादा लफड़ा चल रहा है, और रिसेंटली कुछ लॉकडाउन के बाद से शुरू हुआ। तो गाइस हाँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मॉडलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुझे कम से कम एक जने नहीं, कम से कम चार पांच जने बता चुके हैं कि भैया आप मॉडलिंग कर लो। काफ़ी लोग मुझे बता चुके हैं, तो काफ़ी देखते हैं, आप सब जरूर बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मॉडलिंग वगैरह। और अभी मन लगा अब नहीं दिखाऊंगा ये, वरना आप बोर हो जाओगे। देख रहे हो कितना कोहरा हो रहा है, मैं अभी थोड़ा सा काम के लिए बाहर निकला था तो सोचा थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए, यार कोहरा बहुत ज़्यादा हो रखा है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, पर अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है। सामान देते हैं उसके बाद तो मिलते हैं, गाइस मैं इस वक्त खड़ा हूँ सैनी पंप में, और गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कप कपाहट उठ रही है और हाथ तो बिल्कुल झाम हो चुका है, एक तो बाइक भी काफ़ी दिनों बाद चला रहा हूँ। तो गाइस मैं जस्ट अभी घर पर आया हूँ, और आते ही अपना भाई हीटर स्टार्ट हो गया, और गाइस देख लो भाई मैं तो हीटर में खड़ा हुआ हूँ, बढ़िया भाई इसके साउंड भी पैर ठंडे हो रखे हैं, अंदर कुछ भी नहीं जा रहा भाई। तो गाइस आप सब भी बाहर मत निकलना, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यार गली में दूर दूर तक भी कोई भी नहीं है, पूरी गली सुनसान पड़ी है, लोरी पे कोई बना ही नहीं रहा, और धुंध देख रहे हो गाइस, कोई भी नहीं है, जैसे कि गली में कोई भी लोरी वगैरह कुछ भी नहीं बना रहे हैं, बिकॉज 11 बजे तो लॉकडाउन है ही। ये देखिए ये खड़ी गाइस हमारी गाड़ी घर के सामने ही, ये देखिए धुंध और कोई भी नहीं है दोनों तरफ। तो गाइज ये है मेरा फुल डे रूटीन, जो मेरा नॉर्मल यही रहता है, मोस्टली मेरा सोप पर ही होना होता है। तो गाइज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे कंटिन्यूसली। एंड अब वीडियो को एंड करते हैं, और प्लीज़ आप सब भी अपने घर में ही रहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच। Tip.